और सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में खास तौर से संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई और यह बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए एनडीए के सभी सांसद सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें हैं एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं, बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक, देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। और सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्सों को अब हटा दिया गया है। दरअसल उनके द्वारा जो कहा गया था कि आप